संतों महात्माओं ने जागरण पर बड़ा जोर दिया। जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है, तो मेहनत के बगैर कुछ नहीं बनता। जाग जाग के पाया, सेवा कर करके पाया, भजन सिमरन कर करके खुशी पाई, बगैर मेहनत किसे ना पाया रब का नाम खजाना। तो भाई जितने भी प्रेमी सत्संगी भाई हैं बारह बजे तक सब जागते हैं। आजकल तो मोबाइलों में सत्संग आता है, सब कुछ है, सिमरन करया करो। पहला मेन काम भजन सिमरन है, बाकी बाद में दो टाइम जरूर बैठा करो, बद से बद टाइम लगाया करो, घंटा घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा एक टाइम जरूर बैठा करो। मैंने सही क्या करते थे भाई, थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, दो ढाई घंटे तक बैठ के ले जाओ, दो ढाई घंटे तक बैठ के ले जाओ, आस्ते आते थोड़ा 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 करके। तो भाई आदत घालनी चाहिए, कम नहीं करनी चाहिए। और एक दिन भी टाल कर दी फिर मन बैठने नहीं देता। ये मन तो है, जे एक दिन भी टाल कर दी बस फिर तो फिर नहीं बैठने देता। तो मन से लड़ाई करके जरूर बैठा करो, बाकी काम सारे बाद में करया करो, पहले सिमरन जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी सेक्रेटरी साहब। अच्छा जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नेजर साहब जी ने बहुत समझाया, हम डेरे में रहते थे, हमने मैनेजर साहब जी को बहुत तंग कराया। संतों की एक बात नहीं मानी, सब मन मर्जी करते रहे। मैंने सही क्या करते, रोंदे फिरोगे तुसी, क्यों बातों पर नहीं चले, बाबा जी की बात ही नहीं किसी ने मानी। मैं देखता रहूं सब सारों का यही हाल था। बाबा जी रोज किताबें पढ़ाया करते थे, सच्चे पातशाह महाराज सावन सिंह जी के बचन के, डेरे च रहने वाले आदमी कर्जाऊ हो जाएंगे और गृहस्थी आदमी आके फायदा उठा जाएंगे। संतों की कदर करते हैं वो, हम डेरे में रहते थे बाबा जी की कदर नहीं करी। आदमी समझा था मैनेजर साहब जी को आदमी है, अब पीछे से गीत गाते हैं क्या बनता है। मौके पर जिसने फकीर से फायदा उठा लिया उठा लिया, बाद में तो फिर कंडे की तरह तोड़ता है वो। तो उस टाइम जो जिसने फायदा उठा लिया उठा लिया। बच्चे के पास सोने की डली है, गुड़ की डली दे दो और सोने की डली ले लो, तो फकीर को मौके के टाइम खुश कर लो, गा के कर लो, रो के कर लो, हंस के कर लो, नाच के कर लो। उनके बाद में जाने के बाद बड़ी मुश्किल पड़ जाती है, दर्शन नहीं होते, किसी ने फायदा ना उठाया, सारे मनमर्जियां करते थे। रोज किताबां पढ़ाते थे मैनेजर साहब, रोज पढ़ाते थे किताबां, रोज बड़ा जोर मारा, बड़ी कोशिश करी। जिन साधुओं पर मैनेजर साहब जी की तवज्जो थी वो जमा जीरो पर गए, खत्म हो गए, वो एक बात नहीं मानी। अब क्या बनता है, रोई जाओ, लोगों को रुवा दो। माँ बाप का प्यार भी छोड़ा, घर बार भी छोड़ा, लेकिन फायदा ना, फायदा हमने ना उठाया। बड़ा पछतावा आता है, संतों की कदर ही नहीं करी हमने। अब बाद में कदर करते हैं, फकीरों की कदर ही बाद में जाने के बाद होती है, पहला मन श्री के बाजी करता है। हाँ जी कर जाएंगे, बाबा जी कहते थे दो पाई का आदमी आ जाएगा उनकी बात मान लेंगे, फकीरों की कोई नहीं मानता। थोड़ी सी बात कहते मुंह बिंगा कर लेते, गुस्से हो जाते थे मैनेजर साहब जी, मनाते जाके आखिर इतने ऊँचे कुछ कोठी के फकीर हो गए, जाके मना के ले आया करते थे, आओ भाई
आज हमारे पल्ले क्या है भाई? फिर संतों को दुखी करया, फकीर जो है दुनिया से दुखी होकर जाता है। बस संतों के मौके पर किसी ने ना मानी, मस्ताना जी के टाइम भी नहीं मानी थी, और मैनेजर साहब के टाइम तो देखते रहे हैं। हम सारे ऐसे थे, रोज ही गुस्से हो जाते थे। अब क्या बनता है, रोई जाओ। हाँ जी, किन टाइम देने हो भाई? है जी, अच्छा अच्छा अच्छा, करना सी। असूलों पर ही कायम नहीं रह सकते। जो आदमी असूलों पर ही कायम नहीं रह सकता, उसने क्या पार तोड़ने हैं भाई? जो असूलों पर कायम है उसकी भक्ति बनी बनाई है। बस जिसकी गाड़ी लैंड सी उतर की, चाहे सोने का बन जाए, पर संतों के लिए कुछ नहीं है वो। मैनेजर साहब जी नाम देते थे ठोक बजा के, ये ऐसा नाम नहीं है, खल कर दूंगा, गरीबी आवेगी, बीमारी आवेगी, कोई ना कोई नुकसान जरूर होगा। पर दुनिया नहीं मानी, अब रोती फिरती है, खाओ दखे। बाबा जी कहते हैं कोई फौज भर्ती करनी है के, सानू तो काका नहीं जरूरत है। सात संगत में आते जाते रहोगे तो बच जाओगे भाई, आना जाना छोड़ जाते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर ना घर का ना कोई घाट का। बाबा जी कहते थे सच्चे पातशाह महाराज सबन सिंह का वचन है, चाहे आदमी है चाहे स्त्री है, हमारे को तो भजन करने वाला प्यारा है। मैनेजर साहब जी सच्चे पातशाह महाराज सबन सिंह की साखियाँ सुनाया करते थे कि जिसके साथ हंसी प्रेम करते हैं उसके साथ दुश्मनी करते हैं, ये निशानी है। भजन करने वाला हमारे को प्यारा है, चाहे स्त्री है चाहे आदमी है। बस चाहे गरीब है चाहे अमीर है, अमीर कौन है? जो सिमरन करता है, नाम जपता है, हुक्म मानता है, वो अमीर है। बाकी तो सब कुछ इतने रह जाएगा, साथ नहीं कुछ जाएगा, ये हमारी बॉडी भी यहीं रह जाएगी। किसी को याद ही कौन ही, बचे फिर दिया, आ कर लो आ कर लो आ कर लो, क्या पता कब फूक निकल जाए। चलो भाई, एक बारी लड़े, मैं ना नहीं किसी का लेता कोई बात। मैनेजर साहब जी कहते इन्हों पीट के रख दे सतगुरु, मैं बेनती करता पीट के रख दे गो। इतने करड़े वचन बोले मैनेजर साहब जी रात के 11 बजे, इतने दुखी हो गए। मारे वर्ग तो वहाँ जीरो पर थे, कुछ ही नहीं थे, कोई पूछता ही नहीं था। जो बड़े बड़े जुम्मेवार थे वो एक नहीं बाबा जी की बात मानते थे, एक भी कहते मन मर्जियाँ करते हैं सारे, करी जाओ भाई की पले रहूगा। हाँ जी